बुधवार से ही घाघरा नदी में आए उफान के बाद जो घाघरा का पानी है वो अब अपने पूरे सबाब पर आ चुका है। ये हम खड़े हैं नकारा गांव के पास और ये सामने पूरा नकारा गांव जिसका अस्तित्व अब खतरे में पड़ चुका है। घाघरा के बाढ़ के पानी से पूरी तरीके से लबालब दिखाई दे रहा है। ये सामने बांध पर लोग भाग भाग कर आ रहे हैं और अपना ठिकाना बना रहे हैं। ये नकारा गांव के लोग हैं जो अपने पशुओं को और ज़रूरी सामानों को लेकर के और बांध की तरफ रुक कर रहे हैं। रातों रात नदी का पानी बड़ी तादाद में आया और पूरे गांव को अपने आगोश में ले लिया। हर तरफ पूरा कोहराम मचा हुआ है। पूरा जो मांझा रायपुर है और बेहटा है, परसावल है, नैपुरा है, यहाँ के लोग पूरी तरीके से अब घाघरा की जद में आ चुके हैं। क्या नाम है दादा आपका? सुखदेव नाम है। अच्छा अच्छा, कौन सा गांव है? नकारा गांव है। तो ये पानी पूरा आके भर चुका है गांव में? गांव भर गया, घर में पानी हट गया। तो कोई प्रशासनिक सहायता मिली? हाँ भाई, कुछ नहीं मिली है। कुछ नहीं मिली, कोई सहायता करने आया? सहायता नहीं करने आया भाई। तो ये नकारा गांव के लोग थे जो बता रहे थे कि अभी तक इनको कोई भी प्रशासनिक सहायता नहीं मिल पाई है। लोग जो है पानी में बिल्कुल डूब रहे हैं और लोग गांव छोड़ छोड़ कर जो सुरक्षित स्थान है वहां पर भाग रहे हैं। देखिए, ये कुछ जानवर पानी में फंसे हुए हैं और ऊपर एक टीला नुमा स्थान था जहाँ पर जाकर के ये शरण लिए हुए हैं। तो वहीं गाँव के लोग इनको वहाँ से हटाने की जुगत में लगे हुए हैं जिससे ये सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाएं। जहाँ तक अगर बांध की बात की जाए तो ये नया रिंग बांध सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया है जो इस बार लगभग कंप्लीट हुआ है। अभी इस पर तमाम सारी खामियाँ हैं जो बहुत दिक्कत पैदा कर सकती हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि घाघरा का पानी अब जो ये रिंग बांध है इससे आकर पूरी तरीके से लग चुका है। बांध में बड़ी बड़ी दरारें हैं तो वहीं बहुत जगह पर अभी बांध कंप्लीट नहीं है। वहां पर काफ़ी बांध नीचा है। बांध के ऊपर से बिजली का तार भी गया है जो हादसे का सबब बना हुआ है। गांव की लाइट भी काट दी गई है जिससे ग्रामीणों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। हिंदुस्तान लाइव के लिए मैं अजीत दीक्षित, नकारा गांव, कर्नलगंज, गोंडा।